की चाय, सुबह सुबह चाय मिल जाती है दिन खुल जाता है भाई, आवाज़ ठीक हो जाती है जो भारी हो रखी होती है रात की। टाइम था जब मेरी आवाज़ बहुत अच्छा जैसी थी, बट अचानक से प्यूबर्टी ने चाटा मारा और सब कुछ बदल गया, माई बॉडी चेंज्ड। पहले मैं बहुत छोटा हुआ करता था, मैं मुझे याद है मैं क्लास में सेकंड नंबर पे लगता था। ऐसी नहीं है कि फिफ्थ की बात कर रहा हूँ, ये एट्थ नाइन्थ की बात है सच में, और मैं बहुत छोटा था सच में, बहुत छोटा। पता नहीं क्या हुआ, टेंथ की बात है या टेंथ में ही शायद हाइट बढ़ गई थी, टेंथ में ही बढ़ गई थी शायद, अचानक से बढ़ी थी बहुत सही तरीके से। नाउ आई एम 175, विच इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ हाइट, बट स्टिल सही है, 5'9" के आसपास है मेरी हाइट, तो स्टिल बेटर, कम से कम उससे बेटर है जो मैं था पहले। एंड थैंक्स टू माई फादर जेनेटिक्स के मेरी बॉडी उतनी वीक नहीं है, ठीक है, तो मैं संभाल ले गई, वरना मुझे तो पता लिटरली लगा था कि भाई मेरी बैंड बजने वाली है। मैं ऐसे ही छोटा रह जाऊँगा, ऐसे ही सुखड़ा सा पतला सा रह जाऊँगा और लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, बट थिंग्स चेंज्ड। स्टार्ट करते हैं आज के दिन को ब्लॉग अपलोड करके और अपना कंटिन्यू करके, ठीक है, लेट्स गो। ओके सर, बन चुका है, चलो चलते हैं, अभी खाते हैं, ठूसते हैं ऐसे, और मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो गया है तो उसे भी पब्लिक कर देते हैं। शेड्यूल में एक भारी चेंज ये आया है कि 2 बजे कान्हा की छुट्टी होती है, तो उस समय पर उनको कान्हा को लेने जाना पड़ता, तो मेरा खाना दोपहर का जो है वो लेट होगा, अराउंड 2:30 के आसपास, आधा घंटा लेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल हाफ एन आवर इज़ अ लॉट। तो अभी हम अपना सेकेंड मील रेडी करते हैं। Cooking is not a duty, it's a survival skill that a man should learn at any cost. It doesn't matter who you are, whether you are a female or a male or any other gender. Cooking is a survival skill. Doing work in the kitchen is a survival skill and you should learn it. Theek hai? So bread has ears. Khana to ban gaya. मगर अभी मम्मी को लेने जाना है, तो मैं इस प्लेट को बस घर पे रख, अपने रूम में रख करके फिर भाग रहा हूँ। ओके, तो पापा का टी शर्ट पहन रखा मैंने अभी, ये पापा ने मुझे दे दिया था, जब ऐसा होता ना कि जब हम दोनों आपस में कपड़े पहन लेते हैं एक दूसरे, और आखिरकार मेरे को खाना खाने का मौका मिल गया, मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ, और तब तक आप मजे लीजिए टाइम लैप्स का। सच में आ गया यार, पहननी पड़ गई उड़ी। अभी शाम की चाय चाय पीते हैं और कंटिन्यू करते हैं फिर से वापस उपनिषद, हिंदी में उपनिषद कहते हैं उपनिषद को, लेट्स गो। चीयर्स। ओके, तो 7 बज चुके हैं, पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट, एंड नाउ हम जाएंगे थोड़ा सा टहलने के लिए, फिर टहलने के बाद वापस आएंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, एंड देन अगर और मन करेगा तो और पढ़ेंगे, नहीं तो सीधा नीचे जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो टहलना वहलना हो गया, बॉडी वार्म हो गई है, अब करते हैं वर्कआउट। ओके, सो नाउ वर्कआउट इज डन, और आज के वर्कआउट में उतना मज़ा नहीं आया, मतलब बॉडी में वो पेन फील नहीं हो रहा, लाइक पॉसिबल है कि शायद मैं ऐसा जॉगिंग किया तो उसकी वजह से थोड़ा सा यू नो सांस फूल जाती है, फिर शायद आज मेरा दिन ही ख़राब है क्योंकि सुबह से सब कुछ बुरा ही हो रहा है। बाय द वे मीठा ना बजने वाले, मेरे को
दिया था किसी ने। ऐसा रैंडमली ऐसा जीवन के बारे में सोचने का मन कर जाता है कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, तो वैसा कुछ अटैक सब कहते हैं उसे, पैनिक अटैक टाइप हाँ कह सकते हैं उसे। तो उस टाइप का मेरे को फील हुआ और फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। यस आई डो नॉट हैव द एक होता ना कि एक तो किताबी ज्ञान होता है, ठीक है, तो वो तुम किताबें पढ़ के ले सकते हो, बट द बाहरी दुनिया ज्ञान जो एक्सपीरियंस होता है, जो तुम बाहर लोगों के साथ उठ के बैठ के गेन करते हो, वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, लाइक ज़ीरो। तो वो मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं वो लूँ, बिकॉज एक्चुअल में वो बहुत मैटर करता है। एंड पहले मैं सोचता था कि घर वाले क्या कहते रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, बट नाउ आई रियलाइज़ कि यस दे वर ट्रू। किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना चाहिए, एंड एक्चुअल में मार्क्स नॉलेज वॉलेज ना सब कुछ धरा रह जाता है असली दुनिया में। असली दुनिया बहुत डिफरेंट है, और बहुत हैपनिंग और बहुत मिस हैपनिंग भी। तो मैं दिल्ली गया था, मैंने अच्छे से रहना स्टार्ट किया, तब तो मैंने एक्चुअल में असली दुनिया देखी थी, किताबों से बाहर निकल के जो चल रहा है दुनिया में वो देखा था। एंड तब से जो मेरा पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, वो काफ़ी चेंज हो चुका है। एंड इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस दैट व्यू ऑफ योर्स टू योर पेरेंट्स, बिकॉज दे नो द वर्ल्ड डिफरेंटली एंड यू नो एंड यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिफरेंटली। सो दीज थिंग्स विल क्लैश टुगेदर नो मैटर वॉट, यू हैव टू सम हाउ यू नो कोऑपरेट विद दम, बोथ ऑफ यू, योर पेरेंट्स एंड यू। Right now the same condition is going with me. My parents want something else, I want something else, and according to my parents I am 22 and I should pursue a job and you know go to some office and all, and according to me I am 22 and I shouldn't go for the jobs, I should like pursue my hobbies and all. So there are continuous clash in between a family. कई बार काफ़ी सिंसियर झगड़े भी हो जाते हैं, बट इन दी एंड सारी चीज़ें वहीं पर आकर टिकते हैं कि यार पैसा सब कुछ होता है, ठीक है ना, तुम कितना भी कर लो, ठीक है, टैलेंट सब कुछ दिखा रह जाता है पैसे के सामने, रियलिटी यही है एंड वही मैं फेस कर रहा हूँ। तो चाहे जो हो जाए, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, ठीक है, योर हॉबीज आर इम्पॉर्टेंट, कीप देम, योर लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी थिंग लिटरली फॉर एनी थिंग, कीप इट देयर, बट मनी इज़ द मोस्ट वैल्यूबल थिंग राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, यू शुड परस्यू इट। एंड प्लीज़ डोंट से कि पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बस तुम्हें अमीर होना चाहिए। एंड मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आफ्टर 25 अ मैन इज़ नॉट ब्यूटिफुल, हैंडसम, अगली, ही इज़ ईदर रिच और पुअर, nothing else. So that's it. मैं अपनी जिंदगी का ज्ञान इस वीडियो में सीख दिया। चलो चलते हैं वीडियो, बाय, नीचे चलते हैं, पहले मान धोते हैं फिर खाना खाते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं भी और पढ़ूंगा, सो देखते हैं। पता यही प्रॉब्लम होती है, अब मैं वर्कआउट करके लिखने बैठ रहा हूँ ना, राइटिंग दिखाऊँ, ये राइटिंग, हाथ कहाँ पर है भाई लिखने में, बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। ओके सो जाने का टाइम हो गया है, राइट नाउ इट इज यू कैन सी 10:20, चलते नीचे खाना पीना खाते हैं और आज के दिन को एंड करते हैं यहीं पे।